हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ ओनली वन रबड़ बैंड की मदद से हेयर स्टाइल्स जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और डेली वेयर में आप ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंस्टा आई डी प्री तिवाई ट्वेंटी फोर है जहाँ पर आपको मेरी कॉमेडी एंड मेकअप्स ट्यूटोरियल्स वीडियोज देखने को मिल जाएगी तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा तो चलिए और सेकेंड चैनल है प्रीति तिवारी टू जिस पर मैं अपने ब्लाउज की से रिलेटेड अमेजिंग डिजाइनर ब्लाउज की वीडियो अपलोड करते रहती हूँ तो चलिए वीडियो को अब अभी स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं ये छोटे वाले रबड़ बैंड से बताऊंगी जिसके भी बहुत पतले हल्के बाल हैं पफ नहीं बन पाता है तो वो इसकी मदद से बहुत ईजिली पफ बना सकते हो और बहुत अच्छा अच्छे से पफ बन जाएगा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी पहले तो आप अपना जो अपना आईब्रो का आर्स होता है वहाँ से दोनों साइड से हेयर को इस तरीके से ले लेना है और एकदम टाइटली रबड़ बैंड को नहीं लगाना है थोड़ा सा गैपिंग देते हुए लगाना है ताकि जब आप इसको पफ़ में पफ़ बनाओगे तो ईजली बन जाए अगर आप टाइटली बना लोगे तो आपका पफ़ जो है वो ईजली नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर रबड़ बैंड मैंने लगा लिया है देखिए पूरा टाइटली लगाते तो हमारा यहाँ पे रबड़ बैंड लगता लेकिन हमने पीछे लगाया आप चाहो तो अब इसको ऊपर वाले हिस्से को छोड़ देना है और जैसे ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया है नीचे वाले हिस्से को पकड़ना है और इसको टाइटली दोनों साइड से पकड़ के और इस तरीके से टाइट करना है ऐसे टाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली एक पफ़ का लुक मिल जाएगा ओके और अगर इस तरीके से आपको दिक्कत होता है तो आपने रबड़ बैंड लगाया है सिंपली आगे की तरफ पुल आउट करना है रबड़ बैंड को और अपना पफ़ बना लेना है ओके और यहाँ पे क्लिप लगा देनी है तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल था ये फर्स्ट हेयर स्टाइल बताया मैंने जिस जो कि जिसके बहुत पतले हल्के बाल हैं उनको पफ़ बनाने में काफ़ी ईजी होगी इस हेयर स्टाइल के और इस ट्रिक से चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ सेकेंड हेयर स्टाइल में आप फर्स्ट हेयर स्टाइल ऐसे करके और एक क्लिप लगा के आप छोड़ दोगे जिससे कि आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा थोड़ा सा खींच के और पफ को थोड़ा सा बड़ा लुक दे देती हूँ मैं अब यहाँ पे आप इसको सेटिंग स्प्रे से अपने बालों को सेट कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स हैं और ऐसे ही चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो फिर तो दोनों साइड से ये फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट नहीं हुआ हमारा दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर ले लेना है और जो आपने रबड़ बैंड लगाया है जस्ट उसके ऊपर से लेके जाना है और क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है रबर बैंड के नीचे से लेके आना है और यहाँ पे क्लिप लगा देना है सेम उसी तरीके से दूसरी साइड से हेयर को लेना है कॉम कर लेंगे आज हेयर वॉश किया है तो ज़्यादा बेबी हेयर्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा फिर इसको हेयर को नीचे से लेके आएंगे पोनी के नीचे से हेयर को लेके आएंगे एंड क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल था जिसमें आपको पता चला कि आपके अगर बाल बहुत पतले हल्के हैं आप आपको पफ बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप इस स्ट्रिक्स के थ्रू आपका पफ बहुत इजीली बना सकते हो आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपने फेस पे तो मैंने इतना ही रखा है अगर आपको और बड़ा चाहिए तो आपने जो पहले मैंने बताया कि थोड़ा सा दूध रबड़ बैंड को लगाना है और ऐसे आगे की तरफ खींच के और वहाँ पर क्लिप लगा दोगे तो बहुत ईजिली आपका पफ बन जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है तो सेकेंड हेयर स्टाइल में एक रबड़ बैंड की मदद से आपने ये बहुत बहुत सुंदर सा पब बना लिया उसके बाद अगेन आपको मैं बता रही हूँ दूसरा हेयर स्टाइल जो कि सिर्फ़ एक रबड़ बैंड की मदद से आप बना पाओगे दूसरे हेयर स्टाइल में आपको लगाना है ये वाला रबर बैंड बैक साइड में आप फ्रंट में कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हो चाहो तो फ्लैट भी रख सकते हो आपकी मर्जी है आपके फेस पे जैसा सूट करे तो मैंने ये लगा लिया अब आपको सिंपली नीचे की तरफ से हाथ को ले जाना है इस तरीके से करना है और यहाँ पे इस तरीके से जो बचा हुआ हेयर है उसको अपने पोनी के रबड़ बैंड के ऊपर लपेट देना है और इसको सारे बालों को इसके अंदर से इंसर्ट कर देना अगर ऐसे होल्ड हो जाता है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए और अगर आपको थोड़ा आपके बाल बहुत छोटे हैं लगता है कि निकल जाएगा तो आप इसमें यू पिंस ऐड कर सकते हो जिसके बहुत बड़े बाल होंगे उसका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये हेयर स्टाइल तो वन रबर बैंड की मदद से ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है जो कि बहुत इजी है एंड डेली वेयर में आप एवरी डे हेयर स्टाइल में ये कर सकते हो और इस तरीके का पफ और इस तरीके का बन बना के आपने सूट पहना है ऑफ़िस जा रहे हो तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ फ्रंट से मेरे हेयर फॉल होने की वजह से ये बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसके लिए आप सेटिंग स्प्रे ले लो इस तरीके की पतले दात वाली कॉम ले लो उसके ऊपर आप सेटिंग स्प्रे इस तरीके से लगाओ और अपने जहाँ से भी बेबी हेयर्स दिख रहे हैं उसको इस तरीके से सेट कर दो ये वाला ट्रिक बहुत काम का है आप सेटिंग स्प्रे ले कर और इस तरीके से अगर कर लेते हो तो आपका जो हेयर स्टाइल है जो बेबी हेयर्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं और बिल्कुल भी निकलते नहीं हैं और आपको आपके बालों के एक प्रोफेशनल तो सा लुक मिल जाता है तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ जो कि सिर्फ़ एक रबड़ बैंड की मदद से होगा तो इस वाले हेयर स्टाइल को पहले ओपन कर देती हूँ अभी आपको क्या करना है सिंपली अपने बालों को थोड़ा सा रबड़ बैंड को खींचना है इस तरीके से इसके अंदर हॉल करना है और रबड़ बैंड के साथ ही साथ सारे बालों को इसके अंदर इंसर्ट करना है लेकिन ध्यान दीजिएगा कि सारे बालों को साइड साइड में इंसर्ट करना है इस तरीके से बीच में इंसर्ट करोगे तो बीच से ये गैप हो जाएगा और हेयर जैसे बाहर निकल जाएंगे जो कि आपके लुक को ख़राब कर देते हैं और जिसके पतले बाल हैं उनको ज़्यादा ये चीज़ की दिक्कत हो सकती है जिनके बैक में बहुत ज़्यादा हेयर कम है अब इस तरीके से करने के बाद से हेयर रबड़ बैंड को अच्छे से छुपा दीजिएगा अंदर और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर पकड़ के आप चाहो तो यहाँ पे एक यूपिन लगा सकते हो और चाहो तो इस तरीके का छोटा वाला क्लिप सॉरी बैक पिन लेके इसको लगाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लुक मिल जाएगा आपके बालों को लगेगा कि थोड़ा सा आपने कुछ ए, एक्स्ट्रा किया हुआ है हेयर में जो कि सिंपल लुक से आप बालों को सिंपली बहुत इजी तरीके से अच्छा सा लुक दे सकते हैं अपने बालों को तो ये देखिए ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया जो कि काफ़ी अच्छा है पार्टी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो ऑफिस कुकिंग कर लो तो भी ट्राई कर सकते हो और डेली वेयर में भी ट्राई कर सकते हो तो चलते हैं फोर्थ तो हेयर स्टाइल की तरफ वो भी एक रबड़ बैंड की मदद से चौथे हेयर स्टाइल में अगेन आपको एक पोनी बना लेनी है पोनी बनाने के बाद से बालों को टू पार्ट में डिवाइड करना है और इसको अगेन टू पार्ट में डिवाइड करना है और इसको ट्विस्ट करना है आपस में ट्विस्ट करने के बाद से नीचे से हल्का सा एक पतला सा लेयर खींचना वालों को और इसको ऐसे खींच लेना है ऐसे खींचने से क्या होगा कि आपके आपका जो पोनी आपने बनाया उसमें थोड़ा सा मैसी लुक आ जाएगा जिससे आप बन बनाओगे तो वो अच्छा दिखेगा इस तरीके से रबर बैंड के चारों तरफ लपेट देना है और एक यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेना आप चाहो तो एंड पार्ट पे रबर बैंड भी लगा सकते हो और चाहो तो जैसे मैंने किया वैसे करना है फिर से आपका जो हेयर है उसको ट्विस्ट करना है दो पार्ट में डिवाइड करके टू पार्ट्स में अगेन थोड़ा सा लेयर को लेना है और ऐसे खींचना है जिससे कि आपके बालों में महसी लुक आ जाए और इसको फिर से बन के चारों तरफ लपेट के और एक यूपिन से सिक्योर कर देना है और ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी इजी है और सिर्फ अच्छी बात है कि बहुत ही कम चीज़ों में आप ये सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी तो ये हमारा फोर्थ हेयरस्टाइल हो गया जो कि सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से बना है चलते हैं पाँचवीं हेयर स्टाइल की तरफ पाँचवीं हेयर स्टाइल में आपको आपकी जो पोनी है उसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है ट्विस्ट करके सिंपली रबर बैंड के चारों तरफ लपेटते जाना है और इसको यू पिन की मदद से सिक्योर कर देना है ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सेंटर में रबर बैंड लगा हुआ है वो हाइड हो जाए तभी ये हेयरस्टाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से फैला दीजिएगा हेयर को चारों तरफ से और ऊपर से यू पिंस अटैच कर दीजिएगा तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया जो कि सिर्फ एक रबड़ बैंड की मदद से आप बना लोगे अगर आपके बाल बहुत बड़े हैं लंबे हैं, हैवी हैं तो ये हेयर स्टाइल और भी प्यारा लगेगा और छोटे हैं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा बिग लुक दे सकते हो बड़ा लुक दे सकते हो अपने बालों को और वैसे मैंने बहुत सारे हेयर स्टाइल डाले हैं पतले हल्के बालों के लिए बेग और बहुत तो तो ही खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल की वीडियोज तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा तो ये हमारा पाँचवा हेयर स्टाइल हो गया आई होप कि आपको आज के सारे वीडियो हेयर स्टाइल अच्छे लगे हों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल्स देखने के लिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए थैंक फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाय बाय